हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका एक टॉपिक आता है, सेपरेशन ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मतलब यूरेनियम के बाद जो भी 90 एटॉमिक के बाद जितने भी हमारे एक्टिनाइट ग्रुप में आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, जो यूरेनियम के द्वारा मैनमेड होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे जो एक्टिनाइट एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट में सेपरेशन के बारे में हर साल लगभग हर साल के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमरसियम। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेपरेशन के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन मेथड होता है, साल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड हुए हैं, आयन एक्सचेंज मेथड होते हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं साल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हैं साल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का मीनिंग क्या होता होगा, कि हम एक साल्वेंट के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते होंगे। किसको हम साल्वेंट के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते होंगे? ठीक है, नेपच्यूनियम को, ठीक है, प्लूटोनियम को और अमरसियम को। ठीक है, इनको हम लोग अलग करते होंगे। ठीक है, तो इस मेथड में हम करते क्या है, इसको देख लीजिए आप, कि इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम करते क्या है, हम मेटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनमें अलग करते हैं। होता क्या है इसमें, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट MO2+ आयन फ्रॉम नाइट्रेट सोल्यूशन। हम नाइट्रेट सोल्यूशन के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसको, MO2+ को। ठीक है, M मतलब यहाँ पर मेटल से है। ठीक है, अब ये दो, अब आप अच्छे से जानते हो कि जो एक्टिनाइट सीरीज वाले होते हैं वो जनरली हमारे +4 और +3 में पाए जाते हैं। ठीक है, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखिए, जनरली द M+4 मतलब यहाँ पर चाहे आप नेपच्यूनियम ले लीजिए, प्लूटोनियम और फिर अमरसियम ले लीजिए, M+4 आयन आर एक्सट्रैक्टेड इनटू ट्राई ब्यूटिल फास्फेट इन केरोसिन फ्रॉम 6MHNO3। हम कैसे करेंगे, नाइट्रेट सॉल्यूशन से। लेकिन जब हमको M4+ आयन को एक्सट्रैक्ट करना होगा तब हम क्या लेंगे, हम लेंगे ट्राई ब्यूटिल फास्फेट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं TBP, जो कि केरोसिन जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें रहेगा, फ्रॉम 6MHNO3। उस समय हम कितना मोलरिटी वाला लेंगे, 6MHNO3 लेंगे। और अगर हमको M3 एंड द M3 आयन्स आर सिमिलरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10 to 16 MHNO3, M+4 वालों को लेने के लिए हम क्या लेंगे, 6MHNO3 लेंगे। और अगर M3+ वाले को हमको आयन को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्या लेंगे, 10 to power 16 MHNO3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले हम नाइट्रेट सोल्यूशन बनाएंगे उसका। एंड इन दिस मेथड स्पेंट यूरेनियम रॉड आर डिजॉल्व इन 6MHNO3। सबसे पहले हम स्पेंट जो हमारा यूरेनियम रॉड रहेगा उसको हम किस में डिजॉल्व करेंगे, 6MHNO3 में। UO2+ एंड प्लूटोनियम 3+ आर एक्सट्रैक्टेड, ये अलग हो जाएंगे, यूरेनियम 2+ वाले और प्लूटोनियम 3+ वाले आर एक्सट्रैक्टेड बाई TBP। हम जब इसको TBP में मिलाएंगे ये अलग हो जाएगा। सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन केरोसिन आयल, जब हम 6MHNO3 को मिलाएंगे किसमें, यूरेनियम रॉड को डिजॉल्व करेंगे 6MHNO3, तब हमारा यूरेनियम 2+ एंड प्लूटोनियम 3+ वाले वो हमारे क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कब, जब हम इनको डिजॉल्व कर देंगे TBP में। ठीक है, नेपच्यूनियम एंड अमरसियम आर लेफ्ट इन एक्वस फेज, और अमरसियम और हमारे नेपच्यूनियम क्या रह जाएंगे, एक्वस फेज में चले जाएंगे। और बाकी जो भी चीज़ें उसमें रही होंगी, आप जानते हो ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होते हैं, तो रेडियो आप ये जानते हो कि यूरेनियम के द्वारा ही बनाया गया है क्या, यूरेनियम के द्वारा आपका नेपच्यूनियम बनाया गया है, अमरसियम बनाया गया है, तो ये फ्यूजन मेथड से बने होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेपच्यूनियम और अमरसियम ये हमारे क्या होंगे, एक्वस फेज में हो जाएंगे, और बाकी जो होंगे वो किस में चले जाएंगे, फ्यूजन वाले में, उनको हम बोलेंगे फ्यूजन प्रोडक्ट। अब हमको अलग क्या करना है, ये दोनों अलग करना है। ठीक है, यूरेनियम 2 प्लस वाले और प्लूटोनियम को, तो इन दस से टू सेपरेट यूरेनियम 2 प्लस, ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड वाले 2 प्लस फ्रॉम यूरेनियम 2 प्लस एंड प्लूटोनियम 3 प्लस। तो
तो हम इनको अलग कैसे करेंगे? इनको अलग करने के लिए बाई SO2, चाहे हम SO2 के साथ उसका डिजॉल्व कराएं या फिर NH2OH के द्वारा या फिर FeNH2SO3 का होल ट्वाइस के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। अब कह रहा है कि नेपच्यूनियम, ये तो हमारा दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, किसके द्वारा? जब हम उसका SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम आर सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस फेस। अब जो एक्वस फेस में हमारा नेपच्यूनियम अमेरिसियम ये सब अगर रहे होंगे तो उनको कैसे अलग करेंगे? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम आर सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस फेस इन द फॉर्म ऑफ लिथियम 5 है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी लिथियम 5, ठीक है, नेपच्यूनियम हेक्साऑक्साइड एंड लिथियम 5 प्लूटोनियम हेक्साऑक्साइड आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग विथ। अगर हम इनका ऑक्सीडाइजिंग करेंगे, किसका? जो हमको एक्वस फेज में मिला रहेगा हम उसमें अलग कर लेंगे, किसको? नेपच्यूनियम को, प्लूटोनियम को, किसके फॉर्म में मिलेंगे? Li5NpO6 के फॉर्म में, Li5PuO6 के फॉर्म में। लेकिन अगर हमको अर्मेशियम को अलग करना हो आफ्टर द ऑक्सीडाइजिंग विथ HiO4 और हम अगर उसका ऑक्सीडेशन कर दें किसके साथ? HiO4 के साथ, तब हमको क्या मिल जाएगा? अमेरसियम। इन सभी वे को मैंने एक डायग्रामेटिकल समझाने की कोशिश किया, उसको देखिएगा आपको एकदम एक्चुरस समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर सेपरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लेंगे स्पेंट यूरेनियम फ्यूल, ठीक है, रॉड, उसमें हम क्या मिलाएंगे? 6MHNO3। अब हम 6MHNO3 क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए P+4 वाला, मतलब हमको +4 ऑक्सीडेशन चाहिए। अगर हम यहीं पर 10 to 16 ले लेते, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 10 to 16 लेते तो हमको क्या लेना पड़ता? तो हम क्या निकालते? तब हम M3+ वाले को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमको चूंकि +4 वाला स्टेबल होता है हमको वही निकालना है, ठीक है, तो हमने उसमें क्या लिया? TBP लिया, ठीक है, TBP आप समझ सकते हो ट्राइब्यूटिल फास्फेट, ठीक है, इन केरोसिन ऑयल। जब हम इसमें मिला देंगे, मिलाने के बाद दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा एक्वस फेज और एक मिलेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज। एक्वस फेज में अभी अभी आपने देखा एक्वस फेज के साथ साथ हमको क्या मिलेगा? एक्वस फेज में हमारा नेपच्यूनियम अमेरिसियम ये सब चले जाएंगे और साथ ही साथ हमको क्या मिलेंगे? अदर फ्यूजन प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्वस फेज हो गया और अदर फ्यूजन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट अलग हो गया। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दो चीज़ें यहाँ पर हमको अलग करना है, किसको? यूरेनियम, ठीक है, ऑक्साइड का 2+ आयन्स और प्लूटोनियम +4 ऑक्सीजन। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे हम? हमें अभी हमने देखा अगर हमको अलग करना हो, ठीक है, यूरेनियम 2+, ठीक है, और प्लूटोनियम को 3+ को अलग करना हो तो उसके टर्म में हम क्या करते हैं? उसके टर्म में हम जैसे यहाँ पर यूरेनियम 2+ और प्लूटोनियम 3+ को अलग करना है तो हम क्या किए हैं? हम लिए हैं SO2 या फिर NH2OH या फिर FeNH2SO3 का होल ट्वाइस, तो हमने इसके साथ इसका रिएक्शन कराया। फिर तब हमको दो प्रकार से मिलेंगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलेगा और एक हमारा एक्वस फेज मिलेगा। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फिर से क्या है हमारा? यूरेनियम 2+ है या फिर +4 वाले हैं, ठीक है, इसका हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? एक्वस फेज। यहाँ पर भी मिला एक्वस फेज, एक्वस फेज, और फिर यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाएगा? अब एक्वस फेज, ठीक है। और अभी अभी आपने देखा एक्वस फेज से कैसे अलग करेंगे, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को हम अगर एक्वस फेज में है तो इनको अलग करेंगे, ठीक है, एक्वस फेज में किसके द्वारा? ऑक्सीडाइज के द्वारा अलग कर लेंगे। वो किस फॉर्म में मिलेंगे? Li5 नेपच्यूनियम ऑक्साइड के फॉर्म में और वहीं पे Li5 प्लूटोनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। और अगर हमको उसमें से अर्मेनियम निकालना है तो हम उसका किसका ऑक्सीडेशन साथ, उसका ऑक्सीडेशन किसके साथ करेंगे? HiO4 के साथ। इस प्रकार से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा एग्जाम में एकदम ऐसे ही और साथ ही साथ इस डायग्राम बना दीजिएगा इस प्रकार से, तो पूरी आपका पूरा मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू अगर समझ में आया हो, ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।